आइए हम वचन सुनते हैं। वचन पढ़ते हैं मरकुस 12 41 से 44 के बीच में। हालेलुया। मरकुस 12 मैं पढ़ता हूं आपके लिए पहला वचन। वो मंदिर के खजाने के सामने बैठ गया और देखने लगा कि लोग किस प्रकार मंदिर के कोष में पैसे डाल रहे थे और बहुत से धनवान बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर तांबे के 2 छोटे छोटे सिक्के डाले जिनका मूल्य लगभग 1 पैसे के बराबर होता है। तब यीशु ने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि कोष में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि अन्य सब ने अपनी बहुतायत में से दिया है, परंतु इसने अपनी दरिद्रता में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका दे दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह क्या कहता है यहां पर कि इस विधवा ने, इस कंगाल विधवा ने सबसे ज्यादा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। क्या दिया था उस विधवा ने, क्या दिया था उस कंगाल विधवा ने? 2 दमड़ी, 1 पैसा। लेकिन यीशु कहता है कि इस विधवा ने सबसे ज्यादा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बहन, मेरे भाई, जब हम यीशु के सामने खुद को खाली करते हैं, खुद को समर्पित करते हैं, अपना सब कुछ यीशु मसीह के हवाले कर देते हैं, समस्या यही है ब्रदर। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है। समस्या यही है, हम समझते हैं हमारे पास बहुत कुछ है और हम अपने जीवन को चला रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर है जो हमारी अगुवाई करता है। हम ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं हैं। जिस दिन आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को कुछ नहीं कर दिया, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। कुछ नहीं, इस विधवा ने क्या किया, प्रभु के सामने अपने आप को कुछ नहीं कर दिया। वो जानती थी कि मेरा प्रभु महान है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है जो मेरे हाथ में है, मुझे उसकी जरूरत है जो मेरे दिल में है। प्रेज द लॉर्ड। वही है जो हमारी निगहबानी करता है, वही है जो हमारे साथ चलता है, वही है जो हमें सक्षम, वही है जो हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, और वो है मेरा यीशु। प्रेज द लॉर्ड। इस विधवा ने जान लिया था। प्रेज द लॉर्ड। आपके पास दान पात्र आता है तब आप देते हैं। अगर आप वचन पढ़ेंगे, ये विधवा दान पात्र के पास गई। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हम दान पात्र आता है तो सोचते हैं कि चलो दान पात्र आया, अभी देना ही पड़ेगा। उस समय हमने, मैंने देखा है कई लोग जब दान पात्र आता है उस समय अपना बटुआ खोलते हैं। अरे हमें परमेश्वर को देना है, पहले से निकाल के रखिए अपने हाथ में उस बीज को, क्योंकि वही बीज आपको आशीष देने वाला है। प्रार्थना करिए कि परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं परमेश्वर के राज्य में बो सकूं। इसलिए दान पात्र आने से पहले, ऑफरिंग का बैग आने से पहले अपना दान तैयार रखिए, मन से दीजिए। जिसे इस विधवा ने मन से दिया, इस विधवा ने बताया परमेश्वर कि तेरे बिना मैं कुछ नहीं हूं, ये पैसा, ये दौलत, ये चकाचौंध, ये दुनिया, ये संसार मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि मुझे सहारा देने वाला तू है, मुझे लेकर चलने वाला तू है। उसने अपने आप को खाली किया। जिस दिन हम अपने आप को कुछ नहीं बनाएंगे, उस दिन परमेश्वर हमको बनाएगा। और वो चाहता है परमेश्वर कि हम अपने अंदर जो कुछ है उसको निकालें और कुछ नहीं करें। हमारे अंदर कुछ भी है, हमें कुछ नहीं करने पर हमारी कौन सी चीज रोकती है? हमें खाली करने पर, हमें शून्य करने पर हमारी कौन सी चीज रोकती है? हमें उसको पहचानना है। क्या हमारा पैसा है, या हमारा घमंड है, या हमारी बुद्धि है, या हमारा रूप है? कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे कुछ नहीं करने पर मजबूर रोकती है?
हमें उन सारी चीजों को दूर करना है जो मुझे कुछ नहीं करने से रोकता है, क्योंकि जब मैं कुछ नहीं होऊंगा तब परमेश्वर उठाएगा मुझे और सिंहासन पर बैठाएगा। पौलुस को बीमारी थी, पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की यीशु से कि यीशु दया कर, चंगाई दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं निर्बलता में तुझे सिद्ध करता हूं, मेरा सामर्थ्य निर्बलता में काम करता है। 2 कुरिन्थियों 12:9, जब आप शून्य होते हैं तब परमेश्वर काम करता है। जब आप कहते हैं परमेश्वर मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं, जब परमेश्वर देखता है कि इस बच्ची इस बहन के जीवन में सिर्फ मैं ही हूं, हमें उसको एहसास दिलाना है, मेरी बहन अगर आपके रिश्ते आपको मजबूत कर सकते हैं तो आप गलत सोचती हैं, अगर आपका काम आपको सुरक्षा देता है तो आप गलत सोचती हैं कि मेरे पास आज नौकरी है तो मैं सुरक्षित हूं। नहीं, मेरे पास यीशु है तो मैं सुरक्षित हूं। यस, हमारे जहन में हमारे विचारों में यीशु हमारी ताकत है। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मत्ती 10 में परमेश्वर ने अपने चेलों को भेजा और उन्हें अधिकार दिया, प्रार्थना की उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा चेलों से? कि बीमारों पर हाथ रखना, चंगा करना और अपने साथ कुछ भी लेकर मत जाना। क्या कहा था? अपने साथ। मत्ती 10:9-10 निकालिए। मत्ती 10:9-10, अपने साथ कुछ भी लेकर मत जाना। तुम सुसमाचार लेकर जा रहे हो, सुसमाचार का सामर्थ्य तुम्हारे पास है, मैंने जो अधिकार दिया है वो तुम्हारे पास है, कुछ भी लेकर मत जाओ, कुछ भी लेकर मत जाना। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िए बेटा। अपने पटकों में तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। अपने पटकों में, अपने बटुओं में ना सोना चांदी और तांबा रखना। आगे, मार्ग के लिए ना झोली रखो ना दो कुर्ते। मार्ग के लिए ना झोली रखो ना कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो। ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। कुछ भी मत लेके जाओ, क्योंकि यीशु चाहता है मेरा बच्चा जहां जाए उसमें मैं दिखूं, मेरे सोने चांदी से ना पहचाना जाए, मैं अपने सोने चांदी से ना पहचाना जाऊं कि मैं अनिल कोचर पास्टर हूं। अगर मेरे अंदर यीशु नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूं। दो बातें, एक तो परमेश्वर ने क्यों मना किया कि सोना चांदी कुछ भी लेकर नहीं जाना है अपने साथ? क्यों? क्योंकि अगर सोना रहेगा, अगर चांदी रहेगी आपके पास, अगर हीरे जवाहरात आपके पास रहेंगे तो आपका ध्यान कहां रहेगा? उन पर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और नंबर दो जो अहम बात है, हर पल हम जहां भी जाएं, हम किसी के घर में रहें, उस घर में हम यीशु मसीह के साथ रहें, हम कुछ नहीं बनकर जाएं। जब आप किसी घर में जाते हैं तो लोग आपका सामान देखते हैं, मेहमान का सामान देखा जाता है कि मेहमान कितना ताकतवर है। प्रेज द लॉर्ड। आज आपके घर में आता कोई मेहमान, 2-3 इटैचियां लेकर आता तो आप हिल जाते हैं, ये 2-3 इटैचियां लेकर आया, प्रेज द लॉर्ड, कितने दिन रहेगा भाई ये, हालेलुया, आप हिल जाते हैं। तो 2-3 इटैचियों से पहचाना जाता है। लेकिन अगर एक मेहमान आए आपके पास, मुझ जैसा, एक बाइबल हाथ में हो और आपके घर में आ जाए, प्रेज द लॉर्ड, कहेंगे पास्टर आए हैं हमारे रहने के लिए, इनके पास कुछ तो है नहीं, क्या है इनके पास? कुछ भी नहीं है। जब मैं कुछ नहीं बनकर जाऊंगा मेरे भाई, तो यीशु मुझ में दिखेगा। प्रभु चाहता है कि तुम अपने आप को कुछ नहीं करो, कोई हाथ में दवाई नहीं है, कोई हाथ में कुछ घुमाने वाला हथियार नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है सिर्फ यीशु मसीह के। वो चेलों के पास क्या था? यीशु, जो दिखता था लोगों को चिन्ह और चमत्कार के द्वारा,
प्रेज द लॉर्ड, मेरे पास यीशु है। इसलिए उसने चेलों से कहा कुछ नहीं लेके जाना, तुम्हें कुछ नहीं बनना है। प्रेज द लॉर्ड। और हम चर्च में आते हैं कुछ पाने के लिए, धंधा बढ़े, हमारी सर्विस अच्छी हो जाए, बैंक बैलेंस अच्छा हो जाए, हम सिर्फ यही पाने के लिए चर्च में आते हैं। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर हम यीशु को पाने के लिए चर्च में आएंगे, मेरी बहन, वो ऐसी दौलत है जिस दौलत को कोई नहीं आपसे छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि हम चर्च में आते हैं सोना चांदी हासिल करने के लिए, पैसों को हासिल करने के लिए। यीशु को हासिल करने आई है मेरे भाई। प्रार्थना करिए कि प्रभु मैं तुझे और करीब से कैसे जान सकता हूं। हालेलुया। जकई जो कि एक सूदखोर था, बहुत बड़ा सूदखोर था, वो यीशु मसीह को जानता था, उसने यीशु मसीह को जाना। हालेलुया। और वो चढ़ गया पेड़ पर, छोटा था। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 19:8-9, चढ़ गया पेड़ पर यीशु मसीह को देखने के लिए। हेलो, यीशु मसीह को जानने के लिए, यीशु मसीह के करीब आने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता, उसे बताया गया था कि यीशु मसीह यहां से निकलने वाले हैं, यहां से गुजरने वाले हैं। वो छोटा सा आदमी जो उछक नहीं सकता था, जो भीड़ में छुप जाता था, उसने पेड़ का सहारा लिया और पेड़ पर चढ़ गया। प्रेज द लॉर्ड। अब जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो यीशु मसीह ने क्या कहा? जकई, आज मैं तेरे घर में भोजन करूंगा, आज मैं तेरे घर में रखूंगा। हालेलुया। 8 पढ़िए। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट, जकई के घर में कौन आया? हेलो, मुझसे बात करिए, कौन आया? यीशु मसीह। अगर आपके घर में आएगा आप क्या करेंगे? उसकी खातिरदारी। आप बताएंगे कि मैं कौन हूं? यीशु मसीह मेरे यहां पास्ता भी है, यीशु मसीह मेरे यहां पिज्जा भी आता है, यीशु मसीह आप देखिए चिकन भी है, मटन भी है। जकई क्या कर रहा था? जैसे उसने यीशु मसीह को पाया वो क्या कर रहा था? पढ़िए बेटा। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। आमीन। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया। जकई यीशु की सेवा नहीं कर रहा था, उसने यीशु को पा लिया था। वो क्या कर रहा था? अपने आप को खाली कर रहा था, अपने आप को खाली कर रहा था कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास ये है तेरा, मेरे पास दौलत है तेरी, मेरे पास ताकत है तेरी, मैं अपने आप को खाली कर रहा हूं, मुझे यीशु मिल गया है। जकई अपने आप को खाली कर रहा था क्योंकि उसे यीशु को अपने पास रखना था। अगर आप चाहते कि यीशु मसीह आपके साथ रहे तो आपको खाली करना पड़ेगा अपने आप को, अपने स्वार्थ से, अपने मोह से, अपनी माया से, अपने घमंड से खाली करना पड़ेगा आपको। जकई जान गया था ये कौन है, सब कुछ दे रहा था, नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यीशु मिल गया है। मेरे भाई, हमें अपने आप को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। और कुछ नहीं होने के बाद आप क्या हो जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। ये 2-3 एग्जांपल्स देने के बाद मैं वचन पे आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि हम कुछ नहीं कैसे बन सकते हैं और कुछ नहीं में हमें क्या मिलता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लूका 18:20-25 के बीच में एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, दौड़ता हुआ भागता हुआ धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। यीशु, हे उत्तम गुरु, रुक रुक रुक, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा कि मैं उत्तम नहीं हूं, उत्तम तो परमेश्वर है, लेकिन अगर तुझे अनंत जीवन पाना है तो तुझे आज्ञाओं पे चलना पड़ेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुझे अनंत काल का जीवन पाना है, अगर तुझे वो जीवन पाना है जो यीशु ने दिया है, अगर वो जीवन पाना जो परमेश्वर का है,
अगर तुझे उस राज्य में रहना है जो परमेश्वर का है, तुझे तुझे संसार के राज्य को छोड़ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको संसार के राज्य में को छोड़ना है, अगर आप परमेश्वर के राज्य में रहना चाहते हैं, तो आपको संसार के राज्य को छोड़ना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास है, क्या बोलता है बीस में? तू आज्ञाओं को तो जानता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हाँ जी, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। धनी व्यक्ति क्या कहता है? अरे मैं तो बचपन से इन चीजों को मानता आया हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने देखा कि तू सारी चीजों को मानता आया है, अब देख यीशु मसीह क्या कहता है। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुम में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। 23वां। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बड़ा धनी था। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहा यीशु मसीह ने कि तुझ में एक चीज की घटी है, कमी है, मैं चाहता हूं तू उस कमी को निकाल दे, अपने आप को खाली कर, पैसा है कंगालों को दे दे, मकान है कंगालों को दे दे, कपड़े हैं गरीबों में बांट दे, खाली कर अपने आप को, तू संसार से भरा हुआ है, तू आज्ञाओं को पे चल रहा है लेकिन फिर भी तू भरा हुआ है, तू खाली नहीं है, तूने मेरे लिए अपने लिए अपने जीवन में जगह ही नहीं बनाई है, तू भरा हुआ है, खाली कर अपने आप को, ऐ धनी व्यक्ति खाली कर अपने आप को, कुछ नहीं बना, तूने ये तो सीखा ही नहीं, कुछ नहीं बनाना नहीं सीखा तूने, कुछ नहीं बन। लेकिन धनी व्यक्ति था, जब उसे ये पता चला कि मुझे अपना धन देना पड़ेगा, मेरी जायदाद देनी पड़ेगी, वो उदास हो गया क्योंकि बहुत धनी था। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी कभी यीशु मसीह को नहीं पा पाते हैं मेरे जान, हम वचन को जानते हुए हैं, समझते हुए यीशु मसीह को जानते हुए, स्वर को जानते हुए, लेकिन तब भी हम उस यीशु को नहीं पा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ठीक से अपने आप को खाली नहीं करते, हमें खाली करना है अपने आप को। यीशु तो आपके जीवन में आना चाहता है, वो कहता है मैं दरवाजा खटखटा रहा हूं, जो कोई मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। खटखटा रहा है वो आपके दरवाजे के सामने, लेकिन आप खाली नहीं कर रहे। हेलो, आप खाली नहीं कर रहे अपने आप को। ये धनी व्यक्ति अपने आप को खाली नहीं कर रहा, भाग गया वहां से। मेरे भाई, अगर आपको इशू चाहिए, इशू चाहिए आपको, प्रेज द लॉर्ड, तो आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आपको अपने आप को खाली करना पड़ेगा। सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए चर्च नहीं आना पड़ेगा, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के लिए चर्च मत आइए, उससे प्रेम करने के लिए आइए, अपने आप को खाली करने के लिए आइए कि पिता अभी भी मुझ में है कमियां, मुझे मैं खाली होना चाहती हूं, मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। मुझे अपने आप को खाली करना है। प्रेज द लॉर्ड। पहला किंग 19, 19 और 20 और 21। पहला किंग, पहला राजा। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है और हम उसके लिए सिद्ध चेले बन जाएं? कितने लोग चेले बनना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एलीसा का नाम सुना आपने, जो एलिया का शिष्य था? प्रेज द लॉर्ड। एलीसा, जिसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, एलिया से भी दुगने बड़े बड़े चमत्कार किए, उसे दुगना आशीष मिला, दुगना अभिषेक मिला, लेकिन कैसे मिला उसे दुगना आशीष, दुगना अभिषेक?
आपको पता एलिशा बहुत बड़ा जमींदार था, एलिशा बहुत बड़ा जमींदार था, उसके पास 12 जोड़ी बैल थे, बहुत बड़ा खेत था उसके पास। जब एलिया उसके पास आया वो एक खेत में काम कर रहा था, जमींदार था, 12 बैलों की जोड़ी थी उसके पास। हालेलुया, पढ़िए बहन 19। तब वो वहां से चल दिया और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने। तब वो वहां से चल दिया, कौन चल दिया? एलिया। और शापात का पुत्र एलिशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। क्या कर रहा था एलिशा? क्या कर रहा था? काम कर रहा था, वो काम में था, उसके पास खेत थे, वो जमींदार था, खाली नहीं था। हालेलुया, वो खाली नहीं था कि बैठा हुआ था और यीशु मसीह ने चुन लिया, परमेश्वर ने और चला गया। 12 बैलों की जोड़ी उसके पास थी, जमींदार था, इतने बड़े खेत थे उसके पास, हल चला रहा था, 12वीं के साथ। हाँ, उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। उस समय चद्दर का डालने का मतलब क्या होता है? कि मैंने तुझे चुन लिया है। हालेलुया, एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाली, यानी कि तू अब मेरा शिष्य है, तू परमेश्वर का चुना हुआ बंदा है। आगे, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। मैं रुके 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 प्रेस द लॉर्ड। हेलो, तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा। मेरे भाई, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो आप सेविकाई के लिए दौड़ेंगे, चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे। वो दौड़ा, सही चुना हुआ अभिषिक्त दास की यह पहचान है, वो दौड़ेगा। आगे, और कहने लगा कि मुझे अपने माता पिता को चूमने दे। तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया ने कहा, नहीं, लौट जा, तू मेरा चेला होने के हकदार नहीं है अगर तू माँ बाप की पहले परवाह कर रहा है। 21वां, तब वो उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए। और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। हालेलुया, 12 जोड़ी बैल। प्रेज़ द लॉर्ड, एलिशा ने अपने आप को खाली किया। 12 बैल, जोड़ी बैल काटे, पकाए, सबको खिलाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये बैल मुझे कहीं पीछे ना खींच ले, मैं चुना हुआ हूं, एलिया की चादर मुझ पर है। आमीन। आज का सेवक क्या है? परमेश्वर मुझे पहले नौकरी दे, तब मैं आत्मा के लिए जाऊंगा, मेरा धंधा मजबूत कर, तब मैं आत्मा के पीछे जाऊंगा। कुछ तो होना चाहिए मेरे पास कि नहीं होना चाहिए? एलिशा ने अपने आप को खाली किया, उन बैलों को काटा, खिलाया और प्रभु के पीछे हो लिया। हेलो, इतना आसान नहीं है प्रभु को पाना ब्रदर। हालेलुया। और बाइबल कहती है एलिया ने वो चमत्कार किए, मुर्दों को जिंदा किया उसने। तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा ना, जब आप अपने आप को खाली करेंगे, जब आप उसे बताएंगे मैं सिर्फ तेरे लिए हूं, तूने मुझे चुना। आज एक किसी कंपनी का हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, हम 10 आदमियों को बोलते हैं, 20 आदमियों को, अरे फेसबुक में उसका डालते हैं लेटर, फेसबुक में कि ये अपॉइंटमेंट लेटर हमको मिला है, व्हाट्सएप में डालते हैं ग्रुप्स में, सबको पता लग जाए डिवीजन मैनेजर मैं बन गया हूं। हालेलुया। लेकिन जब हमें परमेश्वर चुनता है, हम अपने पड़ोसी को क्या, अपने माँ बाप को भी नहीं बताते, हम खुद अपने आप को भी नहीं बताते, अपने आप से छुपाते हैं। चर्च में तो कहेंगे
कितने लोग चुने गए? हम चुने गए हैं। घर में पूछिए, सर आत्माओं के लिए जा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप अपॉइंट किए गए, देखिए एक कंपनी में आप अपॉइंट किए गए, आपको पगार कब मिलेगी? जब आप कंपनी के अनुसार चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु की कंपनी में आप अपॉइंट हुए लेकिन काम करना नहीं चाहते और पगार चाहते हैं, कैसे परमेश्वर आपको देखेगा? कैसे परमेश्वर आपकी खटी को पूरी करेगा? अपना जीवन एक आपने दिया है, अपने आप को खाली किया है आपने, करिए खाली। मैं चैलेंज करता हूं, कमी घटी परमेश्वर पूरी करेगा। हमें उसे मांगने की जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करने की जरूरत है। हालेलुया। एलीशा ने अपने आप को खाली किया, उसने बता दिया परमेश्वर कि अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तू मिल गया है। अब मुझे खेत नहीं चाहिए, मुझे बैल नहीं चाहिए, मुझे हल नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई आपको यीशु मिल गया है। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे यीशु मिल गया है, इंडस्ट्री छोड़ दी मैंने। मेरी हालत बहुत खराब थी, कोई पैसा नहीं था, मकान दिया था परमेश्वर ने बस। इधर अद्भुत तरीके से परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि यीशु मसीह ने चुन लिया है और मुझे यीशु मसीह ने नया जीवन दिया है, एक पल नहीं लगाया मैंने, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। मुझे कितनों ने कहा, अरे आप ये भी करिए वो भी करिए। मैंने कहा मुझे दो काम एक साथ होते ही नहीं है, एक ही करूंगा। हालेलुया, प्लीज हालेलुया। पूछिए, जब हमने नया नया शुरू किया था, इनसे पूछिए कारगिल में कहां कहां हम लोग जमीन पे बैठते थे, पूछिए। आज तक उनको एहसास हुआ कि मैं फिल्म स्टार रह चुका हूं? कारगिल में झोपड़ पट्टियों में जाकर बैठा हूं नीचे, मैं उनके लिए सेवा की है। कभी भी रात बिरात कभी भी पूछिए आप, हमारी बहन बैठी है, क्योंकि मैं जानता था प्रभु ने मुझे चुन लिया है। हर कमी घटी आपकी प्रभु पूरी करेगा, उससे शिकायत मत करिए, काम करिए, काम करिए, उसके लिए जीवन जिए। आज मुझे जीवन मेरे यीशु ने दिया है, मेरा प्रभु ने मुझे जीवन दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 18:5-6, जब हम परमेश्वर के चरणों में खुद को समर्पित करते हैं। यिर्मयाह नबी को परमेश्वर ले गया कुमार के पास, कुमार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, प्रेज द लॉर्ड, और उसे अपने आप रूप देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुमार, हालेलुया हालेलुया। ओ रब, फोन आ रहा है शायद आपका। हालेलुया। कुमार, कुमार कैसे बनाता है, मिट्टी को रूप देता है। जब तक कि मिट्टी अपने आप को समर्पित नहीं करती है कुमार के हाथों में, वो समर्पित करती है अपने आप को कि कोई भी रूप दे मुझे। क्या मिट्टी बोलती है मुझे ये रूप दे? कुमार बनाते बनाते उससे मूर्ति टूट भी जाती है, घड़ा टूट भी जाता है, तब भी वो मिट्टी शिकायत नहीं करती है। हालेलुया। क्या कहता है यहां पर 5:6, 18:5-6, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, आमीन, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग शांत बैठे, वचन क्या कह रहा है? आप किसके हाथ में है? किसके हाथ में आप? प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय आप प्रभु के हाथ में, आपको उछलना चाहिए, चिल्लाना चाहिए, हे यीशु धन्यवाद,
मैं तेरे हाथ में हूं। यानी कि अगर आप परमेश्वर के हाथ में है तो सुरक्षित है। प्रेज़ द लॉर्ड, कोई भी आपका बाल बांका कर सकता है। वो कहता है कुमार, जिस तरह तू कुमार के हाथ में है मिट्टी, उसी तरह है इसराइल के घराने तू मेरे हाथ में है। आप किसी भी रूप में क्यों ना हो मेरी बहन, आपके जीवन में कुछ भी क्या क्यों ना चल रहा हो, आपकी नौकरी छूट गई हो, आपके रिश्ते खराब हो गए हो, आपका धंधा बिगड़ गया हो, लोगों ने आपको धोखा दिया हो, आप कैसे भी रूप में क्यों ना हो मेरी बहन, आप कैसे भी दर्द से क्यों ना गुजर रहे हो, लेकिन विश्वास करिए यीशु कहता है आप उसके हाथ में है, आप उसके हाथ में है, आपका जीवन उसके हाथ में, आपकी नौकरी उसके हाथ में है, आपका पल पल उसके हाथ में है। विश्वास करिए, आप कैसी भी स्थिति में क्यों ना हो, अपनी स्थिति को मत देखिए, याद करिए कि मैं यीशु के हाथों में हूं। और आप कितने भी टूट फूट क्यों ना जाएं, आपका रूप क्यों ना बिगड़ जाए, लेकिन परमेश्वर एक ऐसा कुम्हार है जो हर बिगड़े हुए रूप को बना देगा, हर बिगड़े हुए रूप को बना देगा। हालेलुया, उसमें उसकी चमक दिखेगी, उसमें उसकी रोशनी दिखेगी, उसमें उसकी ज्योति दिखेगी। वो है पिता। हालेलुया, इसलिए डर मत, डर मत मेरी बच्ची, डर मत। कैसी भी स्थिति क्यों ना हो आपकी, आप सोचते हैं कि मेरी जिंदगी गई, मेरी शादीशुदा जिंदगी अब नहीं बढ़ सकती, आप नहीं जानती मेरी बहन, आप यीशु के हाथ में हैं। हो सकता है आपका पति मेरी बहन आपको धोखा देगा, लेकिन यीशु आपको धोखा नहीं देगा, वो आपको बचाएगा। आप उसके हाथ में रखिए अपने आप को कि यीशु मैं तेरे हाथ में हूं, धन्यवाद। कैसी भी स्थिति आपकी क्यों ना हो मेरी बहन, कैसे भी हालातों से आप क्यों ना गुजर रहे हो, हो सकता है इस समय आपके पास एक पैसा ना हो, हो सकता है इस समय आपका लड़का गुंडा बन गया हो, मवाली बन गया हो, आपका पति आपको छोड़ रहा हो, आपका बेटा आपको छोड़ रहा हो, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो मेरी बहन, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि यीशु आपको अपने हाथों में रखे हुए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब उत्साहित हैं कि नहीं है? हालेलुया, हम यीशु के हाथों में हैं, सुरक्षित हैं। और यीशु ऐसा कुमार है, परमेश्वर ऐसा कुमार है कि हमारी हर बिगड़ी को वो बना सकता है, हर बिगड़ी को वो संवार सकता है। इसलिए भजन संहिता 119 का 73 का कहता है 73 कि तेरे हाथों ने मुझे संवारा है, तेरे हाथों ने मुझे सृजा है। हमें संवारने वाला कौन है? उसका हाथ। मेरी बहन, हमें ऐसे चुप नहीं रहना है, हमें हर पल धन्यवाद देना है। भटकिए मत, भटक मत, डर मत, क्योंकि तुझे संवारने वाला यीशु तेरे साथ है और तुझसे प्यार करता है। दुनिया का कोई भी भाई, कोई भी रिश्ता तुझे छोड़ सकता है, लेकिन यीशु तुझे नहीं छोड़ेगा। इसलिए यीशु को छोड़ने की सोचिए भी मत मेरे भाई मेरी बहन। कलीसिया में परमेश्वर है, कलीसिया में बताता है वो यीशु कि मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हें अपने हाथों में रखे हुए। महसूस करिए अपने आप को कि हम सब उसके हाथों में है। भजन संहिता 119 का 73, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं। किसने रचा है आपको? बोले किसने रचा है? किसने रचा है आपको? किसने रचा है आपको? आप उसकी रचना है, आप उसकी क्रिएशन है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, आप में कोई खोट नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। अगर आपका पड़ोसी कहता है कि आप में कुछ कमी है, तो उससे बोलिए मेरे भाई, मुझे, मैंने अपने आप को नहीं बनाया है, मेरे यीशु ने मुझे बनाया है। यीशु की बनाई हुई किसी भी चीज में कोई कमी नहीं है मेरी बहन। आप अद्भुत हैं, आप उसकी आंख की पुतली हैं। आपको जब वो परमेश्वर देखता है, आपको अपनी आंखों की पुतली कैसे बनाता है वो, क्योंकि आप अनमोल चीज है उसके लिए, आपको उसने रचा है।
हमारा बच्चा जब जन्म होता है, एक औरत का बच्चा जन्म होता है, तो हम उसमें अपने आप को देखने लगते हैं। चाहे आपका बच्चा काला हो, चाहे आपका बच्चा खूबसूरत हो या ना हो, हो सकता है दूसरे की नजर के लिए, दूसरे की नजर में आपका बच्चा, उसकी मोटी नाक होगी, उसकी आंख नहीं होगी, उसके कान नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए तो वो आपका दिल का तारा है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहन, दूसरों की निगाहों से खुद को मत देखिए, परमेश्वर की निगाहों से खुद को देखिए, और आप जानिए कि आप कहां हैं इस समय। वो कहता है कि इज़राइल की संतान, तू मेरे हाथों में है, तू मेरे हाथों में है। जब घर से निकलिए, महसूस करिए कि हम उसके हाथों में हैं। जब अपने धंधे पर जाइए, महसूस करिए कि हम उसके हाथों में हैं, और उसने मुझे सजाया है, उसके हाथों ने मुझे बनाया है, और किसी ने नहीं बनाया है। मैं उसकी कारीगरी हूं, उसके हाथों की बनाई हुई कारीगरी हूं मैं, इफिसियों 2:10, और भले कामों के लिए सजा गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। आप नहीं जानते, आप जानिए आप कौन है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने आप को खाली करिए, और जब आप खाली कर लेंगे अपने आप को, देखिए क्या होता है। 2 कुरिन्थियों 4:2, ध्यान दीजिए इस वचन पर। जब आप अपने आप, परमेश्वर क्यों चाहता है आप अपने आप को खाली रखिए, नेम करिए, नित्य करिए, दीन करिए, खाली करिए अपने आप को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है आपको खाली करिए। आप कौन है पता है? परमेश्वर क्यों चाहता है कि आप में वो रहे? यीशु क्यों चाहता है कि आप में वो रहे? हालेलुया। क्यों चाहता है? 2 कुरिन्थियों 4:2 पढ़िए। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है, और ना चतुराई से चलते हैं, और ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। परंतु, यहां से वचन को देखेंगे, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। हम लोग कौन है? ध्यान से सुनिए। आप ध्यान से सुनिए। हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। जब आप अपने आप को कुछ नहीं करते हैं, जिस दिन जब यीशु आप में होता है, जब आप पूरी तरीके से प्रभु के होते हैं, क्या फर्क है संसार और आप में? यह वचन बताता है आप में और संसार में क्या फर्क है, एक मसीह में और एक संसारिक आदमी में क्या फर्क है। संसारिक आदमी जब मूर्ति को देखता है तो डरता है, जब मूर्ति से दूर हो जाता है पाप करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, हक मारता है, हत्याएं करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है। लेकिन जैसे ही मूर्ति के सामने आता है, वो फिर दशांश चढ़ाता है, दान चढ़ाता है, और फिर माफी मांग लेता है। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो संसारिक व्यक्ति है वो सिर्फ मूर्ति के सामने ही डरता है, लेकिन मसीह जो सत्य को जान लेता है, वो आम इंसान के विवेक के सामने भी अपने आप को भला करना चाहता है। मैं अपने पड़ोसी के सामने भी ना गिरूं, मैं अपनी बहन के सामने भी ना गिरूं। एक मसीह व्यक्ति के लिए हर एक देह पवित्र मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम मसीह अपने दुश्मनों के सामने भी पवित्र रहना चाहते हैं। इसका मतलब समझिए आप, क्यों परमेश्वर चाहता है कि अपने आप को कुछ नहीं करिए? क्यों प्रभु चाहता है कि मैं आप में रहूं? यीशु को अपने आप में रखिए, क्योंकि आप एक आम मनुष्य के विवेक के सामने भी अपने आप को पवित्र रखना चाहते हैं कि नहीं नहीं आप उस एक आम मनुष्य से जो आपको नहीं जानता उससे भी डरते हैं, उसके सामने भी पाप करते हुए डरते हैं, और जो संसारिक है वो सिर्फ मूर्ति के सामने पाप करने से डरता है, और सबके सामने पाप करता है, उसे डर नहीं लगता किसी के सामने। मंदिर आता है तो उसे डर लगता है। इसीलिए यीशु ने हमें मंदिर बनाया, इसीलिए यीशु ने हमें अपना मंदिर बनाया, ताकि हम उसके मंदिर
हमेशा बने रहे, चाहे हम संसार में रहें, चाहे हम कहीं रहें, चाहे हम किसी के सामने भी रहें, हम उस पवित्रता को, उस पवित्र आत्मा को, उस यीशु को, उसकी धार्मिकता को अपने मंदिर में रखें। हमसे वो धार्मिकता दूर ना हो, हमसे यीशु दूर ना हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जानते फर्क, ये कितना बड़ा फर्क है। यही चाहता है प्रभु, इसलिए अपने आप को खाली करो, क्योंकि तुम एक आम मनुष्य के सामने भी अपने आप को लज्जा में मत डालो, पाप में मत डालो, अपनी भलाई एक आम मनुष्य के सामने भी व्यक्त करो। इसलिए कोई आपको झाड़ता है, कोई आपको डांटता है, कोई आपको लताड़ता है, माफ करिए। हेलो, क्योंकि इसी का छठा पढ़िए, छठा पढ़िए, इसी का छठा। क्योंकि मेरे भाई, वो परमेश्वर है जिसे हम, जिसने हमें अपनी ज्योति में बुलाया है। आपको अंधकार से निकालकर प्रभु ने अपनी ज्योति में बुलाया है। हाँ जी, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। Amen. और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। Amen. Amen. हमारे हृदयों में क्यों चमका? कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, उसकी ज्योति हम यीशु के चेहरे पर देख सके। आप क्रूस पर यीशु मसीह के चेहरे में क्या देखते हैं? वो हारा हुआ चेहरा, वो लहूलुहान चेहरा, वो कांटों का मुकुट, वो रक्त बहता हुआ चेहरा, उस चेहरे में मेरी बहन परमेश्वर की महिमा दिखती है, उसकी ज्योति दिखती है, उसकी योजनाएं दिखती हैं। हालेलुया, उस चेहरे को आप देखिए क्रूस पर, वो शांत चेहरा यीशु मसीह का, वो आपको निहारता हुआ, कोई शिकायत नहीं है उसके चेहरे पर, कोई दर्द नहीं है उसके चेहरे पर। उसके चेहरे पर आप देखेंगे तो क्षमा, उसके चेहरे पर देखेंगे तो प्यार। कई साल पहले परमेश्वर ने मुझे दो पंक्तियां दी थी जब मैंने उसके हाथों को देखा था। ये हाथ मुझे संभाल कर सहारा देते हैं, ये हाथ मुझे संभाल कर सहारा देते हैं, ये हाथ मेरे आंसू पोंछ कर खुशी देते हैं, ये हाथ मेरे आंसू पोंछ कर खुशी देते हैं, ये हाथ मुझे संभाल कर सहारा देते हैं, इन हाथों में कीलें चुभी थी, इन हाथों से लहू बहा था, इन हाथों में कीलें चुभी थी, इन हाथों से लहू बहा था, इन हाथों ने माफ किया था, इन हाथों ने आशीष दी थी, इन हाथों ने माफ किया था, इन हाथों ने आशीष दी थी, ये हाथ मुझे संभाल कर सहारा देते हैं, ये हाथ मुझे संभाल कर सहारा देते हैं। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको यीशु मसीह की महिमा के धन को देखना है,
यीशु मसीह की महिमा को देखना है, उसके खजाने को देखना है, उसकी योजनाओं को देखना है, उसके प्यार को देखना है, तो मेरे भाई यीशु के चेहरे को देखना शुरू करिए। क्रूस पर लटके हुए, क्रूस पर दर्द से बलिदान किए हुए इस चेहरे को देखिए जो यीशु का है। देखिए उस चेहरे को, आप अपने आप को पूरी तरह खाली कर देंगे। आप अपने अंदर पाप रख ही नहीं पाएंगे, मोह माया रख ही नहीं पाएंगे अपने अंदर, जिस दिन आप उस यीशु को देखना शुरू कर देंगे। वो दर्द जो उसके चेहरे पर दिखता है वो मेरा था, वो लहू जो उसके चेहरे पर दिखता है वो मेरा था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो योजना परमेश्वर की मुझे अनंत काल देने की, अनंत काल का जीवन। मेरे भाई उस यीशु के चेहरे को देखिए, तब आप अपने अंदर संसार को आने नहीं देंगे। आप कहेंगे नहीं भाई, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये नाम नहीं चाहिए, मुझे मेरा यीशु चाहिए। मेरा यीशु मेरे अंदर से ना निकले, मेरा यीशु मेरे अंदर रहे। मेरे यीशु को मैं खोना नहीं चाहता हूं, चाहे संसार मुझसे ले ले, चाहे संसार मुझसे निकल जाए, मेरा यीशु ना निकले। क्योंकि आप नहीं जानते मेरे भाई, यीशु के लिए खुद को खाली करने में ही अनंत काल का सुख है, जीवन है। इसका 7 और 8 पढ़िए जल्दी से, 7 और 8 इसका, 7 और 8। परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। जो हमारे अंदर सामर्थ है, जो हमारे अंदर कृपा है, वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। इसका अगला 8वां, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। एक मिनट, पर संकट में नहीं पड़ते क्यों? प्रेज द लॉर्ड। हम चारों ओर से, हमारे जीवन में क्लेश आते हैं लेकिन संकट नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि आप क्लेशों को स्वीकार करते हैं। आप अपने आप को, आपने कुछ नहीं किया हुआ है, आपने संसार को निकाल दिया। मेरी बहन, अगर आपकी नौकरी जाती है तो आपको तनाव होगा? नहीं, क्योंकि मैं नौकरी के लिए जिंदा ही नहीं हूं, मैं धंधे के लिए जिंदा ही नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। किस बात का कलेश मेरे जीवन में? संसार के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मेरे अंदर सिर्फ यीशु है, और वो यीशु मुझे कलेशों में भी सुख देता है, आनंद देता है। मैं कुछ नहीं हूं। जिस दिन आप कुछ नहीं कर लेंगे आपका मेरे भाई, उस दिन आपके अंदर से डर निकल जाएगा, संसार का डर ना है। धंधा नहीं चलेगा कोई बात नहीं, यीशु है मेरे अंदर। अरे आपने वो चीज पाली है जो नहीं मिलती है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि चारों ओर से जो कलेश भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारे हिंदुस्तान में हमारे कलीसियों को तोड़ा जा रहा है, पासवानों को जेल में बंद किया जा रहा है। क्यों? कुछ नहीं किया, फिजूल में इल्जाम लगाया जा रहा है, इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या वो कौन है? क्या वो निराश है? मेरे भाई आप इस कलीसिया को तोड़ सकते हैं, इस दीवार को तोड़ सकते हैं, लेकिन आप इस मंदिर को नहीं तोड़ सकते। मेरा सुख तो यहां है, मेरा जीवन तो यहां है, मेरा यीशु यहां है, तो इस मंदिर में क्या देखता है? मैं धर्म नहीं बदलता, यीशु जीवन बदलता है। तू क्या तोड़ेगा मंदिरों को? क्या तोड़ेगा तू चर्चों को? तोड़ दे चर्च। यीशु ने खुद ही कहा है
एक दिन एक पत्थर पर दूसरा पत्थर नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूं वो दिन आए जब हर पत्थर कहे, और वो आएगा जब यीशु मसीह खुद पूरी पृथ्वी को हिलाएगा, पूरी पृथ्वी को हिलाएगा। इसलिए हम निराश नहीं होते। आगे नवा, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। दुनिया हमें सताती है, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं त्यागता। Praise the Lord। क्या वो त्यागता है आपको? दुनिया आपको सताएगी, कलीसिया से आपके कुछ लोग चले जाएंगे आपको छोड़कर, वो आपको गलत समझेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा यीशु मुझे नहीं त्यागेगा, मेरा यीशु मेरे साथ है। जब यीशु आपके साथ है तो आपको कोई सताव भी मायने नहीं रखता है। Praise the Lord। गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। हमें कोई नाश कर सकता है? हमें कोई नाश कर सकता है? एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आमीन। कौन हमको परमेश्वर से अलग कर सकता है? क्या सताव या क्लेश? क्लेश उनको अलग कर सकता है जो मसीह में है ही नहीं। आप सिर्फ चर्च आ रहे हैं और आपके अंदर मसीह नहीं है, क्लेश आपको दूर कर देगा प्रभु से, सताव आपको दूर कर देगा प्रभु से, नौकरी आपको दूर कर देगी प्रभु से, अगर आप प्रभु में नहीं है। यही प्रमाण है, यही प्रमाण है कि आप चुने हुए हैं कि नहीं है, आप कितने प्रभु में हैं। क्या क्लेश मुझे दूर करेगा प्रभु से? क्या सताव मुझे दूर करेगा परमेश्वर से? या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम तलवार मुझसे दूर करेगी? 38 और इसी का 38 पढ़िए, 9। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं। हालेलुया, बोलिए मैं, मैं जोर से बोलिए मैं निश्चय जानता हूं, निश्चय जानता हूं। पढ़िए बेटा, कि न मृत्यु, कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई, अगला न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जो हमारे यीशु मसीह में है हमें अलग नहीं कर सकती कोई भी चीज, क्योंकि यीशु आप में है, आपको कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन अगर यीशु आप में नहीं है तो आपको छोटी चीज भी अलग कर देगी, छोटी सी चीज। मैं इस कुर्सी पर बैठती थी, इस बार ये बहन मेरी कुर्सी पर बैठ गई, बस अभी मैं कल से चर्च नहीं आऊंगी। गए आप। पिछली बार मुझे चाय पहले मिली थी, इस बार चाय मुझे बाद में मिली, वो भी ठंडी, अब मैं नहीं आऊंगी। कोई भी चीज आपको अलग कर सकती है, क्योंकि आप प्रभु में है ही नहीं, आप में इश्यू है ही नहीं। हालेलुया। इसलिए ये चीजें आपके लिए अहमियत रखती हैं। Praise the Lord। यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे इस चीज की क्या वैल्यू है? इसलिए उसे धनी व्यक्ति से कहा, छोड़ सब कुछ, छोड़ मेरे पीछे आ, वो भाग गया। इतनी सारी मछलियां पतरस को परमेश्वर ने दिलवाई, यीशु मसीह ने दिलवाई, और क्या बोला? चल छोड़ इसको, मेरे पीछे चल। क्यों ले गया? कि वो आपको खाली करना चाहता है। मती जो एक सूदखोर था उसके सामने लाइन लगी हुई है, लोग पैसा दे रहे हैं, ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। यीशु मसीह का मती मेरे पीछे चल, वो उठा सब कुछ छोड़ दिया, पीछे हो गया। Praise the Lord। क्यों ले गया यीशु मसीह? क्योंकि वो चाहता है आप में से संसार निकले, क्योंकि जब तक आप में संसार है मेरे भाई, आप यीशु को अपने अंदर नहीं रख सकते, रख ही नहीं सकते। जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करेंगी मेरी बहन, आप यीशु मसीह को नहीं पा सकती।
आप यीशु मसीह को अपना नहीं बना सकते, यीशु मसीह आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसको जाने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए कोई भी वस्तु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया।